नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ हैं दीपक चौधरी। यदि इनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊं तो ये SSC JEE 2019 के थ्रू पास होकर CPWD JEE में सेलेक्ट हुए हैं। साथ ही RPSC AEN जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका मेन एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर कर लिया है और अभी ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू होना बाकी है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के धनी हैं, मिलते हैं इनसे। आपकी आज मुलाकात करा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज इनसे पूछने हैं, SSC JEE एग्जाम से रिलेटेड, RPSC AEN से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कैसे कैसे तैयारी की, क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं गलतियां करनी चाहिए जो हम लोग करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर इनसे चर्चा होनी है, तो मैं मिलाता हूँ आपको दीपक चौधरी से। तो दीपक जी, स्वागत है आपका ज्ञान टॉक के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। आप देखो, मैंने आपका इंट्रोडक्शन को पहले मैं करवा चुका हूँ, आप बहुत ही मतलब एकदम मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, इसीलिए आज मेरे से बात करने को आप तैयार हुए। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि आप बेसिकली कहाँ पढ़े बड़े हो, फिर कहाँ से आपने ग्रेजुएशन वगैरह की है। सर एक्चुअली मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ राजस्थान में, और मैंने जो मेरी बीटेक है वो NIT सूरत से करी थी। 2017 में पास आउट हुए। अच्छा, 2017 में पास आउट हुए। यस सर। तो फिर उस पास आउट होने के बाद से अब तक का वो जो सफ़र है वो? सर सफ़र वही प्रिपरेशन में रहा। एक्चुअली 2017 के बाद फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया प्राइवेट में। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी मेरी, और एक साल तो मैं ऐसे ही गेट की और थोड़ी सिविल सर्विसेज ये सब तैयारी करता रहा था। और 2018 में जैसे ही IN की वैकेंसी आई अपने राजस्थान में, तो फिर मैंने टेक्निकल स्टार्ट कर दिया पूरा एकदम अच्छे से फ्लो में। और फिर वही उसके लिए प्री मेंस और वो उसका प्रोसेस चल ही रहा था साथ साथ में, तो साथ साथ में और भी एग्जाम्स दे रहा था। बट आप समझते हो कि स्टार्टिंग में एक पीक तक पहुंचने में प्रिपरेशन को टाइम लगता है, तब तक एग्जाम नहीं फैट होते अपने, तो वो टाइम लग रहा था, 1-1.5 साल लग गई थी मतलब ऐसे ही वो प्रिपरेशन करते करते। और साथ में SSC JEE भी दिया, तो फिर SSC JEE में भी हो गया इसमें। अच्छा, तो मतलब आप तैयारी कर रहे थे RPSC AEN की और आपका SSC JEE निकल गया वो? हाँ, SSC JEE निकल गया। मैंने तो आपको ईमानदारी से बताऊँ तो कभी सोचा ही नहीं था कि SSC JEE में मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है या तो हो जाएगा। हाँ, तो अब हम आगे वीडियो में उन्हीं बातों पर बात करेंगे कि जैसे आपने ऐसी कैसी तैयारी की कि लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं, उनका नहीं निकलता, आपने किस तरह से पढ़ाई की कि मतलब आपका जल्दी ही एक पहले या दूसरे अटेम्प्ट में SSC JEE क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं जो बात जानना चाहूँगा वो होगी कि जिस दिन, हर देखो बेरोजगार इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती है जॉब, तो जिस दिन आपको रिजल्ट का पता चला उस दिन की फीलिंग मैं आपसे मतलब जानना चाहूँगा, आप शेयर करें। सबसे पहले आपने किसको बताया और क्यों? एक्चुअली सर ये जो रिजल्ट का था, मतलब पहले SSC ने मार्क्स डाले थे अपने, जी वो मतलब रिजल्ट आया था 11 सितंबर को आया था 2020 में, और उसके बाद फिर SSC ने बोला कि 15 सितंबर को हम सबके मार्क्स डाल देंगे। तो जब तक रिजल्ट आया था तब तक सिलेक्शन तो हो गया था, बट ये नहीं पता था कि मार्क्स कितने हैं, क्योंकि इसमें DB के लिए बुलाते हैं 2-3 गुना। तो उसमें वो जो 3-4 दिन का था वो बड़ा टेंशन वाला टाइम था सर। उसमें ऐसा लग रहा था कि पता चले अपना कहीं बाउंड्री पे क्लियर हुआ हो तो फाइनल सिलेक्शन में DB में निकल जाए क्या। मतलब फाइनल सिलेक्शन के बाद की बात बताओ। तो फिर 15 तारीख को जैसे ही नंबर डाले उन्होंने, तो फिर कंफर्म हो गया कि हाँ अपना सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो फिर मतलब खुशी हुई बहुत अच्छी वाली, तो मैंने पापा को कॉल किया डायरेक्ट। तो मैंने उनको कॉल किया, पापा मैं SSC JEE में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने बोला था ये एग्जाम कब दिया, एक्चुअली मैंने बता नहीं रखा था उनको। SSC JEE का तो मैंने बता ही नहीं रखा था उनको, मैंने प्री भी दे लिया, मेंस भी दे लिया, और उनको कभी नहीं बताया मैंने। तो उनको मैंने अचानक से बताया, तो उन्होंने बोला कि यार ये एग्जाम कब दिया तूने, मैंने बोला पापा दे दिया था मैंने बीच में। तो फिर वो बहुत खुश हुए मतलब कि यार चलो अच्छी बात है, बट उनके मन में जरूर वही बात थी कि वो बोल रहे थे कि IN का रिजल्ट कब आएगा मेंस का। हाँ वो तो खैर उनको उम्मीद नहीं थी, वो मिल गया। मैं तो एक आपसे, और माँ का कैसा रिएक्शन रहा होगा? मम्मी का बहुत अच्छा था, मम्मी बोल रही थी कि दोबारा एक बार वो चेक कर ले सही है क्या। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि मतलब बड़ी प्रसन्न होती है जब अपने बेटे को। बहुत खुश थे यार सर, माँ तो होती है फिर सबसे ज्यादा खुश। तो अपन अब SSC JEE की बात करें, तो प्री और मेंस में आपको कितने कितने नंबर थे और आपकी रैंक कौन सी रही? सर प्री एग्जाम हुआ था हमारा IN
के जस्ट मेरा सितंबर में हुआ था प्री एग्जाम इसका एक्चुअली। तो उस टाइम हम आईएन के फ्लो में थे पूरी तरह से मेंस के एग्जाम के में। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने कभी एसएससी जेई का सोचा ही नहीं था, और मैं जस्ट ऐसे एग्जाम देने चला गया और वो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ मात्र 0.5 नंबर से। अच्छा, 0.5 मार्क्स। तो प्री क्लियर हुआ, और वो प्री का जब रिजल्ट आया था दिसंबर में आया था सर, 14 दिसंबर को आया था लगभग, और 30 दिसंबर को मेंस था, सिर्फ 15 दिन के बीच में। अच्छा। और मैंने तो बस यही सोचा था, मैं तैयारी तो भी करी नहीं रही इसके लिए, तो एग्जाम दे आते हैं। वैसे भी मेंस मेरा प्री क्लियर हुआ है जस्ट बाउंड्री पे, और एक्चुअली मेरी कैटेगरी भी जनरल आती है सेंटर में, तो मैं सोचा यार अभी मतलब इतना आसान तो है नहीं, और मेरे को एक्चुअली डर भी था कि 2 घंटे का पेपर होता है मेंस का और 300 स्पीड से ही होता है। तो और हमारी प्रैक्टिस थी सर आईएन के हिसाब से 3 घंटे के पेपर के हिसाब से, तो मेरे को था कि यार अपना मुश्किल नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि चलो एग्जाम दे आते हैं बस। तो मैं एग्जाम देने चला गया, मेंस एग्जाम था और क्लियर ही हो गया। और मैंने हाँ एग्जाम मतलब सर ऐसे दिया मैं बिना किसी टेंशन के, वो तो वहां से एक चीज सीखी मैंने कि मतलब हम कभी भी ज्यादा टेंशन लेके देते हैं तो उल्टा ही बिगड़ता ही है मामला। आप जो अपन एसएससी की यदि बात करें तो इसके लिए आपने ना तो कोई अलग से कोचिंग की ना आपने अलग से कुछ नोट्स बनाए? जो मैंने एक्चुअली जो एसएससी जी का मैंने तो आरपीएससी की भी कोचिंग नहीं करी। अच्छा, सिर्फ आप सेल्फ स्टडी से ही चलते हैं? सेल्फ स्टडी से पूरा, मतलब मेरे दोस्तों ने आईएएस मास्टर मेडीजी वगैरह से कोचिंग ली, सबने लगभग सबने ली मतलब। हाँ वो तो है ही, एक बार वहाँ जाना ही होता है, मतलब मंदिर है वहाँ तो मत्था टेक के आना। मंदिर है बट मैं नहीं गया सर। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी, एक्चुअली मैंने नोट्स ले लिए थे उनके। अच्छा। वही कोचिंग हमारे सैम जो वो पढ़ रहे थे, तो बस मैं सेल्फ स्टडी करता रहा था, वो कोचिंग में पढ़ते रहे थे। अच्छा। बट थोड़ी दिक्कतें आई मेरे को क्योंकि वो खुद से समझने में चीजों को नोट्स बनाने में उसमें टाइम लगता है। तो उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उनका सर सीपीडब्ल्यूडी में मेरे एक दोस्त का हुआ है, बाकी औरों का हुआ है, एमईएस में हुआ है, एक दो का बीआरओ में हुआ है। अच्छा, मतलब सही, अच्छी बात। तो अब जैसे आपने कहा कि मैंने एसएससी जेई की तैयारी नहीं की और ये क्लियर कर लिया, तो इसके लिए जनरल साइंस का जो पार्ट होता है और रीजनिंग का जो पार्ट होता है, तो बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वहाँ भी स्कोर नहीं कर पाते और उसी वजह से हो सकता है उनका प्री क्लियर नहीं होता कई बार। उसके लिए सर यही है कि आप जीएस में फिक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब फिक्स टॉपिक है उनमें से ही आते हैं 100%। अच्छा। जैसे आप मैं साइंस की बात करूँ तो एक विटामिन का क्वेश्चन आता है उसमें 100%, तो आप एक एक डेढ़ पेज की विटामिन का टॉपिक है उसको अगर कर लोगे तो एक नंबर आपका पक्का। अच्छा। और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, फिर अपना पॉलिटी में से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके आर्टिकल्स है ना सर, तो आर्टिकल्स के 2-3 क्वेश्चन आते ही 100%, तो उनको ही वो घुमा फिरा के उनके पूछता रहता है हमेशा। तो अपन ये कहें कि पिछले जो क्वेश्चंस हैं एसएससी जेई के यदि वो भी हम कर लें तो उसी से शायद वो भी कर लें, तो हाँ कम से कम 50 में से 20-15-20 नंबर तो इजीली आ ही सकते हैं। अच्छा, तो प्री में आपको कितने नंबर आए थे? 129 थे आई थिंक, और 128.47 कुछ ऐसी कट ऑफ थी, तो मेरे 129 थे सर प्री में। अच्छा, और अपनी रैंक कौन सी रही थी प्री में? तो कोई रैंक होती नहीं, मेंस की। मेंस में अभी जैसे मेरी ओवरऑल जो मेरी सिविल के जो पूरी सीट है उसमें मेरी 288 सीट है टोटल अभी सीपीडब्ल्यूडी में, उसमें से मेरी 120 है सर ओवरऑल। अच्छा, आपकी 120 रही और आपको सीपीडब्ल्यूडी यही मिल गया। अभी रीजन में मिल गया सर, एनआर रीजन। अच्छा, नॉर्थ रीजन मिला है तो आपको यही राजस्थान के आसपास कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी। हाँ देखो सर वो पोस्टिंग, हाँ ये भी एक अच्छी बात है, वरना कई बार क्या होता है कि लोगों को ईस्टर्न रीजन सीपीडब्ल्यूडी मिल जाता है बट वो रीजन उनका साउथ हो या ईस्ट ऐसा मिल जाता है तो फिर वो पंगा रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप एक अच्छी किस्मत के धनी है, मुझे तो अभी तक की बातों से ऐसा लगा था। खैर, आपने मेहनत की है तो जाके किस्मत ने आपका साथ दिया, ऐसा नहीं है। आपने जो बेहतरीन तैयारी की एएन मेंस लिखने के लिए, मेंस में क्या होता है कि सारी तरफ सभी तरह के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, थ्योरी छोटे बड़े सब तरह के न्यूमेरिकल्स, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ काम आ गया आपके।
तो जो अपना अपन बात करें एसएससी जेई का जो पेपर है उसमें यदि हम न्यूमेरिकल्स की बात करें और थ्योरी पोर्शन की बात करें तो इनका वेटेज कितना कितना लगभग रहता है? सर एसएससी जेई में न्यूमेरिकल का वेटेज होता है लगभग अभी 300 का पेपर आता है, पेपर तो एक्चुअली 360 का आता है, उसमें एक क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेबल होता है, मतलब तो 360 में से आप मान सकते हो कि 200 के आसपास आता है न्यूमेरिकल, 200-220। अच्छा। और हाँ 100-150 के समथिंग थ्योरी आती है, थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं। हाँ, और थ्योरी में वो मार्किंग भी सर क्या बहुत बेकार करते हैं, तो फिर थ्योरी अटेम्प्टेबल होती भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो अपन ओवरऑल मार्किंग की बात करें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो उस मार्किंग को आप कहाँ मतलब मॉडरेट मानोगे या फिर हार्ड मानोगे या इजी मानोगे? सर मार्किंग तो मॉडरेट ही होती है, मतलब हार्ड तो नहीं होती। अच्छा, तो आपने लगभग जितना लिखा है उतना लगभग लगभग मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें लक बहुत काम करता है सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा। मेंस की कॉपी में चेक होने में बहुत लक काम करता है, मैंने कम से कम 20 कॉपीज देखी और उनमें काफी क्वेश्चन, मतलब काफी लड़कों में तो ऐसा है कि जैसे क्वेश्चन कोई कुछ पूछ रहा है और कुछ भी वो लिख के आ गए उसमें वहां, और उनमें 15 नंबर का क्वेश्चन है 15 में से 12 दे रखा। अच्छा। जबकि उसको 0 मिलना चाहिए। हाँ। है, तो और ऐसा वाइस वर्सा भी अनिश्चितता बहुत है, मतलब अनिश्चितता बहुत है, वाइस वर्सा भी है, जैसे अगर आपने मान लो पूरा अच्छा क्वेश्चन किया 20 नंबर का पूरा सही से, और वो मार्किंग वाला ऐसा बंदा है कि वो 20 में से सही क्वेश्चन में भी 10 दे रखे हैं 8 दे रखे हैं, ऐसा भी हो जाता है काफी बार। हाँ, तो मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनिश्चितता है वहाँ पे, अनिश्चितता बहुत मार्किंग के मामले में, मार्किंग के मामले। अच्छा, अब एक बात अपने से आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे हम कोई परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और उसका जब तक रिजल्ट आता है मेंस लगते हैं काफी टाइम उसमें लगता है, तो इतने लंबे टाइम तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना, तो वो आप कैसे करते हैं? सर वो एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को पापा से आती है वो चीज़ मेरे को अंदर, मतलब मैं जब भी डाउन होता हूं तो मैं उनको ही याद कर लेता हूं कि यार वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं इस एज में भी, और हम लोग अगर एक एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे तो उससे ही डीमोटिवेट क्यों हो सकता है? अच्छा, मतलब लाइफ तो अभी बहुत बढ़िया, अभी एग्जाम तो क्या बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी आगे, तो इससे डीमोटिवेट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं होता नहीं हूं, मतलब वो टेम्प्रेरी होता है एक दो दिन के लिए। नहीं, वो तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया कि आप एक तरह से मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहनी है, बट वो एक दो दिन में सर मैं रिकवर कर जाता हूँ अपने आप ऑटोमेटिक। तो जो वो रिकवर करने वाला जो फेज है वो क्या चीज ऐसी होती है कि जो आपको मजबूर करती है कि आप वापस से पढ़ाई करें? मेरे को एक तो मेरे सर फैमिली का करता है, मतलब पापा का देखते होता है मेरे को, दूसरा मैं आसपास के जब लोगों को देखता हूँ ना सर, मजबूर लोग हैं जो भी फुटपाथों पर पड़े होते हैं और रिक्शा चला रहे हैं सर, ठेली लगा रहे हैं, तो मेरे को इनको देख के लगता है मैं यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं 200-300 रुपए कमाने के लिए पूरे दिन, तो क्या मैं मेरी लाइफ के लिए मेहनत नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? मतलब आपको तो प्रेरणा लेनी होती है कहीं से ही, आपने ले? हाँ, कहीं से भी, मतलब मैं एक सबसे बेस्ट मेरी प्रेरणा मेरा म्यूजिक भी है सर। अरे वाह। मैं जब भी ऐसा लगता है मैं बढ़िया बढ़िया एकदम एनर्जेटिक और एकदम रिमिक्स वाले गाने वो सुनने लग जाता हूँ। तो उससे और कहते हैं कि मतलब 5 मिनट सुन लो तो आपका फिर मूड चेंज हो जाएगा, लगभग मूड चेंज हो जाएगा, फेवरेट 5-1 मिनट सुनोगे तो आपको लगभग अच्छा फील होने लगेगा। अच्छा, अब अपन पूछें कि आंसर शीट के अंदर एक आंसर लिखना, तो वो भी अपने आप में एक तरीका होना चाहिए कि कैसे आप आंसर से लिख रहे हो। कोई कोई ऐसा होता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई की अच्छी नहीं होती, या फिर कोई बहुत धीरे लिखता है कोई जल्दी लिखता है, तो वो किस तरह से मैनेज करें कि 2 घंटे में इतना लंबा पेपर अपन लिख पाए? सर राइटिंग का बताऊँ तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है, बहुत बच्चे को लेके सोचते रहते हैं कि यार मेरी राइटिंग खराब है, मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे, वहाँ कट जाएंगे, या मेरा क्या क्या होगा वहाँ पे, तो मैं ये चीज पर्सनल मैंने फील किया हुआ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है सुपर वाली, तो वहाँ पे मैं जब भी एग्जाम देने गया एसएससी जेई का तो मैंने राइटिंग पे 1% सर ध्यान नहीं दिया जी, मैंने जस्ट एग्जाम मतलब जो पूछा है मेरे से और पॉइंट टू पॉइंट में लिखता गया और बहुत स्पीड से लिखता गया ताकि तो पेपर कंप्लीट हो जाए, पेपर कंप्लीट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए। तो फिर मैंने अभी मेरी कॉपी जब देखी तो मैंने देखा राइटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है 1% जी, मतलब वहाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए, आंसर मेरे सही थे, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 में से मेरे को 20 दे रखे हैं, 15 का है तो 15 में से 15 दे रखे हैं। अरे वाह। तो वो सर आंसर का उनको मैटर ज्यादा करता है मेरे हिसाब से, राइटिंग इतना नहीं करता मैटर। हाँ, मतलब कि वहाँ आपकी स्किल्स देखी है उन्होंने, नॉलेज देखा है,
आप थ्योरी में जरूर है, इतना इतना मतलब राइटिंग होना चाहिए आपको कि उसको समझ में आ जाए। हाँ, समझ तो आना ही चाहिए। पता चले तुमने स्पीड के चक्कर में रायता फैला दिया और वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है तुमने, तो दिक्कत होती है। अच्छा दीपक जी, आगे जब अपन चलें तो एक बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ होती है लोगों के साथ कि वो पढ़ते रहते हैं फिर अचानक से या तो फ़ोन उठा लेंगे या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह या किसी का कॉल या फ़ोन मैसेज कुछ आ गया तो एकदम कहीं ना कहीं वो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं रही कभी? बिल्कुल सर, मेरे साथ भी रही हुई है और ये नेचुरल है सर, सबके साथ ही होती है। अच्छा, फिर इसे मतलब इससे रिकवर भी तो होना होता है? कई बार आप 2 मिनट के लिए फ़ोन में जाते हो और घंटों तक लगे रह जाते हो। वो तो सर खुद पे मतलब खुद की प्रायोरिटी तो मैं सेट करनी होती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब लाइफ में ज़्यादातर लोग जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो सेल्फ मतलब सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, तो वो तुमको कॉल करेंगे जब उनको काम पड़ रहा है या फिर वो अपना मन टाइम पास करने के लिए। तो आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि मतलब ये बंदा मेरे को कॉल कर रहा है, बंदी मेरे को कॉल कर रही है, तो उस टाइम भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मेरा भी मनोरंजन हो रहा है। अच्छा, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप टाइम पास कर रहे हो और वो मनोरंजन कर रहा है सामने वाला, तो तुम बेवकूफ हो। तो मतलब आपने प्रायोरिटी सबसे पहले अपनी पढ़ाई को दी और बिल्कुल वो सब देनी पड़ेगी, इग्नोर करते रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं अवॉइड करता हूँ। हम ऐसा भी नहीं है कि मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ, जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ जेन्युइन इसके लिए बात करनी चाहिए या फिर हेल्प करनी चाहिए, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ हेल्प के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। आज टाइम पे आपने सुना होगा, शायद आपने भी ट्राई किया होगा, टेस्ट सीरीज का नाम आपने सुना होगा, तो वो अपन तैयारी की यदि बात करें तो उसमें किस तरह से मददगार होती हैं कि नहीं होती हैं, तो आपने यूज़ की कि नहीं की, वो थोड़ा सा आप बताइए। सर टेस्ट सीरीज बिल्कुल मददगार होती है, मैं बिल्कुल इस फैक्ट को नहीं इग्नोर करूँगा। टेस्ट सीरीज एक्चुअली हमें एक तो स्पीड बनती है और एक हमें अपनी जो मतलब हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो दिखती है, हमें कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं जी जी, और वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो पता चलता है कि मतलब कौन सा फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा है या फिर कौन सा स्टेप मिस हो रहा है किसी क्वेश्चन का, तो ये हमें पता चल जाता है जी। मतलब अपने आपने आईना है एक तरह से टेस्ट सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट मेरी पर्सनल बात करूँ तो मैंने तो नहीं ली टेस्ट सीरीज, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं ली तो आप मत लो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, मैंने नहीं ली, मैंने एक्चुअली ली इसलिए नहीं थी, मेरा एम ही नहीं था ऐसे चीज़ कभी तैयारी करनी जी जी, तो इस वजह से मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं ली थी, बट टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो एक तरफ मैं आपको देखूं कि जिन्होंने कभी सोचा नहीं SSC JEE क्लियर करने का, और एक साइड उन लोगों को सोचूं जो कई सालों से सपना समझे हुए हैं कि हमें SSC लिखना है और SSC JEE में CWT या उनकी पसंदीदा डिपार्टमेंट उन्हें लेना है। तो आपने तो सोचा नहीं तो भी आपको एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, और वो लोग जो बहुत सोचते हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या करें कि उन्हें वो उनका सपना पूरा हो जाए? सर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, मेरा ये एक कोट है मतलब अपना खुद का, तो मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि यार तुम मेहनत करते रहो और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी अटैम्प्ट में आपको मिल जाए, आपका ड्रीम जरूर पूरा हो जाएगा एक ना एक, मतलब एक अगले अटैम्प्ट में हो जाएगा या फिर उससे अगले में हो जाएगा, बट आप मतलब गिव अप मत करो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब ये तो सर CPWD SSC JEE तो नॉर्मल एग्जाम है, लोग IAS और IPS कितने बड़े बड़े एग्जाम फाइट करते हैं, तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो हो जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मतलब आप लगातार उसी चीज में लगे रहिए, हो जाए तो वही है ना कि मतलब एक तो बहुत सोच रहा है बंदा कि भाई मेरा होना चाहिए तो हो नहीं रहा, और एक ने जिसने सोचा ही नहीं कि भाई मुझे इसमें जाना है और उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी जो दूसरी जगह की मेहनत थी, आपने जो सही कहा एक लाइन कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, आपने RPSC AEN के लिए जो तैयारी की वो आपको SSC JEE में काम आ गई। हाँ वो सर बिल्कुल सही। तो आपका जो लॉकडाउन अभी देखो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, पहले भी पिछले साल भी लॉकडाउन रहा था, तो वो लॉकडाउन इस लॉकडाउन में अपन कंपैरिजन करें तो शायद उस टाइम हो सकता है आप बेरोजगार थे, आज आपके पास रोजगार है, तो दोनों किस तरह से अलग है, कितना फर्क है इसमें? नहीं फर्क है सर, वो पहले वाले लॉकडाउन में थोड़ी टेंशन रहती थी कि यार क्योंकि रिजल्ट नहीं आए थे ना, RPSC AEN का आया था ना ये SSC JEE का आया था, एग्जाम दे रखे तो, बट यही कभी कभी बीच बीच में टेंशन रहती थी यार ऐसा नहीं हो कि किसी दोनों एग्जाम में से किसी में ही नहीं हो अपना, तो अभी जैसे अभी नहीं आती सर अभी। अच्छा। बिल्कुल अभी तो ये है कि ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं हम लोग, कभी ज्वाइनिंग मिले भाई ज्वाइनिंग आ जाए जल्दी से। हाँ सही है। बाकी जो लोग अभी बेरोजगार हैं और लॉकडाउन सफर कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब इसको किस तरह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है? उसके लिए यही है सर कि अभी जो लोग कुछ RPSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, कुछ SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा ये लॉकडाउन का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, आप इसको वेस्ट मत करो, मतलब ऐसे ही आप
हो सकता है कि आप मतलब पूरे दिन ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाओ जैसे नॉर्मल डेज में करते थे, बट अभी थोड़ा 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 था भी अगर करोगे आप तो वो एडअप में होगा, कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएगा। और इस टाइम में आप अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि किसी टॉपिक में आप मतलब वीक हो थोड़े से, किसी टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं हो तो उन टॉपिक को पढ़ सकते हो अलग से। अगर पूरा वो पुराना वाला आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो नए टॉपिक पढ़ लो। मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं भी ये मानता हूँ कि यूटिलाइज करना चाहिए जो टाइम मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकता है कि कई कई बार तीन तीन महीने का टाइम, पिछली बार भी और इस बार भी कुछ लोग वेस्ट कर दिया, फिर जब एग्जाम आता है तो फिर उनको लगता है टाइम नहीं है और एग्जाम एक्सटेंड करो, थोड़ा प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो उसके बजाय अभी तैयारी करना ज़्यादा बेटर है। तो SSC की यदि बात करो तो SSC आपने एक बार ही दिया है या इससे ज़्यादा बार दिया है? सर मैंने एक्चुअली दो बार दिया SSC। पहली बार दिया था 2017 में दिया था कॉलेज के साथ, तब तो इतनी नॉलेज थी नहीं बिल्कुल, तो जस्ट ऐसे फॉर्म भर दिया और एग्जाम दे दिया तो नहीं हुआ क्लियर, प्री क्लियर नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, इस बार हुआ तो सीधा फाइनली जीत गए आप। हाँ सर वो तो अभी यदि मैं पूछूं कि रीजनिंग और GS और प्री मेंस के लिए SSC की कोई बुक अपन ऐसे करें भाई इसको SSC के लिए पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके लिए सर मतलब GS के लिए तो कोई बुक अलग से है नहीं, GS और रीजनिंग के लिए तो मैं बोलूँगा कि पुराने पेपर जो हैं उनको भी सॉल्व कर लो अच्छे से आप। और कुछ मतलब जैसे साइंस पढ़ लो, थोड़ी सी अलग से बुक आती है साइंस की छोटी छोटी, और कुछ करंट वगैरह की पढ़ लो, तो ये जो करंट साइंस ये पढ़ के आप आराम से 50 में से 15-20 नंबर ला सकते हो। अच्छा, इतना ही टारगेट GS का 15-20? GS में ऐसे ज़्यादा टारगेट करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी। और रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में आप 50 में से 45-46 नंबर आराम से ला सकते हो। तो रीजनिंग का भी शायद अब जो तरीका है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो आज के दौर में भी अपन उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें 45-1 नंबर। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट अगर किस्मत मतलब ऐसा है कि पेपर का लेवल ही अलग हो गया तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो सभी के लिए टफ है अगर टफ एग्जाम आ गया तो, बट अगर एवरेज एक पेपर आ रहा है तो आप अभी भी ला सकते हो मतलब 45 नंबर 44 नंबर आराम से। मेरे 46 नंबर थे सर रीजनिंग में। तो आपने जो SSC की जो कॉपी थी आपकी आंसर शीट, तो उसकी क्या RTI लगाई थी बाद उसको मतलब चेक करवाने के लिए देखने के लिए? हाँ RTI लगाई थी सर, RTI से वो कॉपी मेरे को एक्चुअली इस बार PDF में दिए सब लोगों को कॉपियाँ, पहले तो घर पे वो हार्ड कॉपी भेजते थे पर इस बार PDF दिए उन्होंने। तो मैंने भी वो देखी है शायद आपकी, आपके साथ मैं सबको मतलब सूचित कर दूं कि जैसे दीपक जी का क्या YouTube चैनल भी है द इंजीनियर अड्डा करके, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी कॉपी को PDF फॉर्म में डाला हुआ है और आप कॉपी देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने लिखा है, किस तरह से मार्किंग हुई है, किस तरह से इनकी राइटिंग रही है और आंसर लिखने का स्टाइल कैसा रहा है, किस तरह से मार्किंग, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हो। और टाइम टू टाइम आप यदि इनसे बात करना चाहें, इनसे गाइडेंस लेना चाहें, तो यदि ये अलाउ करते हैं तो इनका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट टच भी नहीं कर सकते हो, क्यों दीपक जी? बिल्कुल सर, मैं आपको एक मेरा नंबर है जो मैं जो यूज़ करता हूँ जनरली, उसको मैं बता दूँगा आपको, तो आप उसको लिंक में डाल दूँगा। चलो ठीक है, बाकी RPSCIN का जो अभी आपका इंटरव्यू होना है उसी की आप तैयारी अभी कर रहे होंगे? हाँ सर वो उसकी तैयारी चल रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब 2-2 घंटे 1 घंटे में अभी उसके लिए पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो रही पढ़ाई, बट उसका भी मैं एक्चुअली अभी मैं यही मानता हूँ कि उसमें भी लक का ही काम रह गया बस, मतलब क्योंकि अभी मेहनत तो वो तो सर मेंस में हो गई जो जितनी मेहनत होनी थी, अभी इंटरव्यू में तो पता नहीं होता कहाँ से कब। हाँ 15 मिनट का इंटरव्यू होता है सर, उसमें वो सामने वाले उनके दिमाग में उस टाइम कैश पैक कर जाए क्या पूछ रहे हैं वो लोग, सही है, तो वो चीज़ लक पर डिपेंड करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम सभी की तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू भी आप क्लियर करो फिर हम। अच्छा एक यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आया कि यदि इंटरव्यू क्लियर आपका हो जाता है RPSC का और इधर SSC में आप CPWD में हो, तो इन दोनों में से आप कौन सा चूज करना चाहोगे? सर एक्चुअली अभी तक ये सोचा नहीं है, सही बताऊँ तो आपको। नहीं कोई बात नहीं, मत एक जनरली आपसे बस पूछ लिया। सर ऑब्वियस सी बात है कि मैं स्टेट में IIM को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि ये अपना स्टेट जॉब है और यहाँ अपने डायरेक्ट लोगों से पूरी लाइफ कनेक्ट में रहेंगे अपने कल्चर के, तो ज़्यादा बेटर लगेगा।
चलो ठीक, हम बस दुआ करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका ये भी क्लियर हो, फिर हम एक बार फिर से बात करेंगे आरपीएससी एजेंट क्लियर होने के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोरोना में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ सर। जी जी, मैंने आप मतलब मैंने 2-3 बार आपसे पहले भी बात करी हुई है और एक्चुअली मैं भी आपको मतलब आपको भी एक एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे मैं मानता था पूरी प्रिपरेशन में। तो मैंने बीच बीच में सोचता था यार वहाँ पे वो सर है मस्त आईएन है तो मैं भी बन सकता हूँ आईएन, क्यों नहीं तैयारी करते। क्या बात है। तो मैं बीच में एक दो बार ऐसे आपसे बात भी करी थी इसी बारे में। तो मतलब वही है कि आप इंस्पिरेशन कहीं से भी ले सकते हो, अच्छे लोग अपने आसपास में रखिए, अपनी कंपनी अपने फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुक्रिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।